हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और अपने चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने लौकी के कोफ्ते तो बहुत बार खाए होंगे, पर इस बार मैं लेकर आई हूं लौकी के गट्टे की सब्जी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ रोज़। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं कि ये सब्जी बनती कैसे है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी साइज़ की लौकी ले ली है और इसको ग्रेट कर लेंगे बारीक। और एक कटोरी यहाँ पे मैंने लौकी ले ली है कद्दूकस करके, और साथ में एक कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। फ्रेंड्स, जो ये लौकी है बारीक कद्दूकस करनी है आपको। यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन ली है, और घी डालेंगे इसमें 2-3 चम्मच, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और थोड़ा दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा कलर के लिए मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ चुटकी भर, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पानी ऐड हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लौकी में जो जूस है वो मैंने निचोड़ा नहीं था, वो इसी के अंदर है, तो इसी से ये डो बन के तैयार हो जाएगा। इसका ये सॉफ्ट डो हमें बना के रेडी करना है। ये थोड़ा सा चिपकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने लौकी ऐड की है, पर आप घबराएं नहीं, इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें, जिससे गट्टे बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो अभी हम घी लगाएंगे तो ये थोड़ा कम चिपकेगा। तो इसके लंबे लंबे आकार के हम गट्टे बना लेंगे दोस्तों, थोड़े थोड़े पोर्शन में। आप मोटे मोटे साइज के मैं यहाँ पे गट्टे बनाऊंगी, आप चाहें तो बारीक साइज में भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके के हम गट्टे बना के रेडी कर लेंगे। और देखिए, मैंने ये सब बना के तैयार कर लिए हैं। और एक पतीले में मैंने यहाँ पे गर्म पानी रखा था और वो उबल गया है, और अब उबलने के बाद हम इसमें ये गट्टे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी जब उबल जाए तभी हमें गट्टे ऐड करने हैं, और एक बार ये पानी में जाने के बाद टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। पहले पहले ये सॉफ्ट दिखाई देते हैं, तो इसको 3-4 मिनट में ये उबल के तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए, इनका कलर चेंज हो चुका है, और चाकू के हम देख लेते हैं, चाकू के ये चिपक नहीं रहा है, तो ये हमारे उबल चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो आइए हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, और ऑयल में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज रफली, और साथ में मैंने यहाँ पे 7-8 ये लहसुन की कलियाँ ले ली हैं दोस्तों, और इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और देखिए, इनको कम आंच पे ही हमें रोस्ट करना है, इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस। और अभी इनका कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें 1 कटा हुआ टमाटर मैंने और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं लंबी कटी हुई, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए आप इसको रफली चॉप कर सकते हैं। तो ये जब हम सॉफ्ट हो जाएगा तब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारे टमाटर, ये जो हमने भुने हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने प्लेट में निकाल ली हैं, और ये ठंडे होने बाद पेस्ट बना लेंगे। और इधर 1 कटोरी में मैंने 2 चम्मच दही लिया है, क्योंकि मैं ये सब्जी कम मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए कम दही लिया है। और 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है दोस्तों। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, और इधर हम वही ऑयल है जिसमें हमने अभी प्याज टमाटर भुने थे, तो वो गर्म हो चुका है दोबारा से, और थोड़ा सा जीरा और हींग इसमें डाल दिया मैंने। इनको तड़कने के बाद थोड़े से हम सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पे थोड़ी काली मिर्च है 6-7, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी टुकड़ा, और तेज पत्ता, और साथ में 2 साबुत लाल मिर्ची मैंने यहाँ पे ले ली है। और इनको भी थोड़ा सा रोस्ट हम कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए कम आंच पे ही हमें इनको रोस्ट करना है। और अभी जो हमने ये जो मसाला पीस के तैयार किया था दोस्तों, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, और भी हम वो जो मसाला, जो प्याज टमाटर का हमने पेस्ट बना ली है, वो अभी ऐड कर दिया, और हमारा मसाला भुन चुका है। और मसाला भुनने के बाद जो दही का आपने पेस्ट बना के रेडी किया, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के हम इसको पकने देंगे, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ढक्कन लगा देते हैं, और 2-3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, और मसाला भुन चुका है अच्छे से।
और अभी हम इसमें एक चम्मच के करीब मलाई डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है दोस्तों। ये पनीर जो हम इसमें ऐड करेंगे, इस सब्जी का स्वाद पूरा चेंज हो जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और ये पनीर जो पनीर की सब्जी होती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तो पनीर आपको ज़रूर डालना है, उसी से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम भून लेते हैं थोड़ा सा, और साथ में हम इसमें गट्टे ऐड कर देते हैं। अगर गट्टे आप ऑयल में फ्राई करके भी डालते हैं तो वो भी बढ़िया सब्जी बनती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रही हूँ और इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं इसी तरीके से। तो 2-3 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सोख चुका है। और अभी हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं। पानी आपको गर्म ही ऐड करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है, और आप वही पानी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने गट्टे उबाले थे। तो नमक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और अभी हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे, क्योंकि गट्टे हमारे पके हुए हैं तो ज़्यादा देर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 5 मिनट के करीब हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बस ग्रेवी इसी तरीके की हमें रखनी है। और गैस हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ये पड़ी पड़ी पानी को सोख लेगी सब्जी थोड़ी देर में। तो आपको ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी नहीं रखनी है। तो देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।